सड़क निकल के रात को डामर गई है, बोली प्रयास कर रहा है। जहाँ मान लो आजकल में डामरीकरण नहीं हो, उन सड़कों में कम से कम पीडब्ल्यू से जरूर जाके बड़े हल्ले चला के दिए थे, वहाँ अच्छे पड़ा थे, तो भी एक आवाज था प्रयास हो जाए। हमने पूरा प्रयास हमने किया, छोटी मोटी बात है, क्योंकि जो ज्यादा सुलभ जिसकी उपस्थिति या जिसको एकदम सुलभता से मिल सकते हैं उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी कई लोगों को होती। मैंने सर देखा है बड़ा लोड, तीन तीन चार चार बजे तक जगना, सुबह 6 बजे कई लोगों को ध्यान नहीं, कई लोग रात को 2 बजे फोन करते हैं कि साहब सोएगा कहीं, और कई सुबह 6 बजे फोन करें साहब आ रही होता हो। तो सही बात है, उन लोगों की अपेक्षा है। नेता बहुत लोगों आप लोग को मिले, लेकिन सेवक जो है मेरे हिसाब से क्यों सब की जनता आप लोग भाग्यशाली हो, ऐसे जनप्रतिनिधि आपको मिले जिनको प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार का ऐसा मान के और अधिकार पूर्वक बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि छोटे मोटे बच्चे जो जो एम कोई पोस्ट डालते हैं उसके नीचे जरूर कमेंट करते हैं, साहब अब वो काम नहीं करिए पत्र देख लीजिए। अब बात ठीक भी है, ये हमारे बच्चे हैं, सही है, हमें कोई इनसे नाराज नहीं, हम उसको पूरा प्रयास करते हैं कैसा है कोई जागरूक कि हमारे आगे का व्यक्ति या बच्चा हम उसका काम भी करें, ये भी जरूरी है, क्योंकि जागृति जो है बड़ी लेटा है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये मोगरा राम जी गणपति जी पहले होता राजा आया और जमाल काम कर रहा है आधे रूप पड़ी जो काम को तो काम कराई नहीं बताओ। सीताराम जी बेटा बताओ, अभी कल परसों कोई कहते हैं हमें बड़ी तकलीफ थोड़ी सही चलती है, अभी जैसे साठी का एक मामला जो डीएसएस का चल रहा है, मैं पीड़ा इसलिए आप लोगों को, आप जो परिवार के लोग हैं इसलिए पीड़ा परिवार के लोग बतानी चाहिए। साठी का जीएसएस का मामला चल रहा है, 47 जीएसएस के उस विधानसभा के अंदर है, कई लोग कहो नहीं बैठेगा भुट्टा मंत्री रहेगा बिजली का, 2008 के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ, जो काम थे चलाए थे डबाई दिए, किस काम को नहीं बताओ। 450 करोड़ का एक जीएसएस, अब गए पूरा राजस्थान में 4 बड़ा जीएसएस बढ़िया, बिग मैन एक बिरलो का मैं 450 को जीएसएस 450 करोड़ को बताऊ की उनमें बादान साहब जट जी टिप्पण हो गया कहीं में भी थे भी अटक गया मंत्री रिया दो दो तीन तीन बार डाणी डाणी लाइट कराया जाने कौन मना करिया था बताए तो। मैं तो कह रहा हूँ सैनिक नगर जैसे गांव में जहाँ 100% वोट इनको मिले 100% उसके अंदर सड़क का काम भी मैंने कराया, ये तो भले वहां के लोग जिन्होंने इनको ओड़बा नहीं दिया कभी, यदि हमारे जैसे लोग होते ना किसान परिवार के तो हमारा ओड़बा भी कर देता, कम से कम जो जनप्रतिनिधि है हमारी नैतिक कर्तव्य है कि अच्छा काम तो करें उसकी हम तारीफ भी करें। आप देखा इसका इतिहास गवाह है, और गूगल जो है ये 20 साल 30 साल पुरानी तस्वीर भी निकाला, तो मेरे पास 2008 से पहले जो गूगल ने तस्वीर निकाली क्यों सर वो भी मेरे पास पड़ी है, और आज की जो निकाली वो भी मेरे पास पड़ी है, तो देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा विकास कैसा, खाली बातों से क्या हो जाएगा। इधर जैसे भगवान ने चाह तो साइज 7-8 जीएसएस आजकल में और क्यों सर विधानसभा आने वाले जो भी मांगे, उसके बाद बिजली की समस्या का जो समाधान वो लगभग लगभग हम लोग बैठेंगे कि हमारा सिंचाई क्षेत्र है क्यों सर, और यहाँ के लोगों ने सिंचाई के माध्यम से अच्छा प्रयास भी किया, अभी सरकार ने छोटे बोर्ड भी लाइम स्टोन के कांटे हमारे प्रयास इसके अंदर लोगों को पट्टी मिले, बड़ी जो सीमेंट फैक्ट्री आ रही है भी गढ़ किला में रुके अच्छा देखो ना मांगे घरे कड़ाई को देखिए नहीं मोटूडा लोग मोटी गाड़ियां मकान गिर कौन देखे ना, मैं तो ईमानदारी वही प्रयास करा दोनों भाई कि छोटे व्यक्ति का और जो समाज में जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है जिसको 75 वर्ष में उसको न्याय नहीं मिला उस व्यक्ति को मुख्य धारा में हम लोग लाए, इसलिए आज का जो कार्यक्रम हमने दिव्यांग भाइयों के लिए किया है, जो भी हमारे भाई बहन है जो दिव्यांग है जो चलने फिरने में थोड़ा सक्षम नहीं है वो लोग अपने रोजमर्रा के काम जो स्कूटी से ज्यादा कर पाए ये हमने प्रयास किया है। मैं तो ज्यादा लंबी थोड़ा भाषण नहीं देके आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, आज ये शायद 41-42 जो स्कूटियां जो है कुछ लोगों के कागज नहीं आए थे, कुछ में जिनको प्रमाण पत्र देते डॉक्टर उसके अंदर कहीं ना कहीं को थोड़ा मिस कम्युनिकेशन दे गए, एक आज शायद है एक सरपंच साहब बेड का कार्यक्रम वो है मामला उपदास जी का, तो सरपंच साहब आपको
नागौर से दिलाएंगे। ये दो तीन प्रकरण जो रुके थे ओमदाजी से आए ओमदाजी इनको नागौर से दिलाएंगे। ये 43 स्कूटियां जो आज है ये हम लोग अभी आप लोगों के माध्यम से सौंपेंगे। मैं एक तो व्यक्ति को ये सौंप देता हूँ क्योंकि अभी सैंक्शन कई वो निकालने आप बैठे तब देख रहे थे फोन आ रहे था कि जल्दी जल्दी भेजो हो सकता है 6-7 तारीख से आचार संहिता लग जाए तो ऐसा नहीं है कोई काम अपना पीछे रह जाए। तो मैं उधर थोड़ा जाने के लिए थोड़ी जल्दी करूंगा। आप लोगों से इतना ही मेरा निवेदन है कि आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है, चुनाव का समय है और हनुमान बेनीवाल जी को कमजोर करने के लिए आप देख रहे हो ना लोग क्या छलांगा लगा कोई बीजेपी में जा रही है और कोई बीजेपी और रहा कांग्रेस में कूद रही हूँ। वो एक ही मकसद है कि ये व्यक्ति ने किया एक डबो जब वो व्यक्ति ज्यादा राजनीति में आगे बढ़ोगे तो लोगों ने होशियार कर दे अगड़ा ने आ तकलीफ और विकार तकलीफ है। हनुमान बेनीवाल जो व्यक्ति यदि राजनीति में ऊंचा शिखर मत पूगो तो कटे कटे किसान कौम को बहुत बड़ो भलो तकलीफ है। निवेदन आपको आप प्रयास बिल्कुल लग जुड़ा। देखो ऐसा है कई बार व्यक्तिगत जो द्वेष जो है आपस में हम लोग गांव में हमने कभी इतने काम काए कहीं भी ये प्रयास किया आपस में शांति रहे आपस में प्यार प्रेम रहे पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए भी कि वो मामला सेट हो गया कहीं ना कहीं बढ़े क्योंकि 19 का सेंसन है 5 साल हो गए उसके बाद पता नहीं कितने केसेस बढ़ गए और कितने अभी बढ़ रहे हम प्रयास करें। तो ये स्कूटी का वितरण का जो कार्यक्रम है मैं एक दो लोगों को मैं चाबियां सौंप के और उसके बाद ये जो हमारी टीम बैठी है साहब और जितने भी आप मोदी सब झगड़ा एमएलए होते पावर दीवड़ो खुशी मारे आप लोग फटाफट फोन को हम तो विधानसभा बिजी है 5 साल लाख महीने दोनों भाई 5 साल विकास कामों को अखबार ताकि फटाफट फटाफट गए कई लोग उतावड़ बोलते रहे अरे साहब से अरे जगह 75 साल में काम नहीं दिया मैं एक दो महीने पर कराए दो मैं थोड़े यहीं जाऊँ आपके पीछे ही काम है तो मांगरों तक हाथ पकड़ा नहीं काम कराए लो बात वही मैं आपको निवेदन करूँ कोई का झांसा में भी कोई नहीं अब झांसा देव कई लोग आवेला दिल्ली में मोटी मोटी गाड़ियां ले प्रयास कर ला पर मारा हिसाब इतना समझदार हो कथान कोई कौन बरगड़ा सके आपकी बात है। ये बात है हनुमान बेनीवाल जो व्यक्ति देखो रात और दिन जाग और हर आदमी की चिंता करे अभी मन पर दिव्यांग स्कूटी आने तो कार्यक्रम क्यों बना कि भाई देखो कितना ध्यान रखे आ सब बड़ी बात है कि संवेदनशीलता जगह एक एक चीज टिप्स के मत याद रात मन क्यों करोड़ आएगी भाई बियाणी पुड़ा उतरे रोड को नहीं पोर्टल आने मेघवाला आई आई क्यों को नहीं देखो मतलब एक एक चीज ने आप बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मेरे को नाटा नाटिया मारक मारा हिसाब से सरपंचा ने याद कोने पिता मान दो भया नहीं याद है अब सीताराम जी बैठा क्या तो कर रहा रोड को मांग लालावास एक हाथ 5 रोड लालावास में नहीं लालावास बनाई सही है एक दो काम जगह मैं भी पूरा प्रयास कर कमाना पा वो जो रावण जो गए बिना भी हाथ ही जुड़ना बैठ कोई एड़ तनाव चार तो कराई दी रही है को मैं भी कराई देता हूँ अब तो पूरा लाडा मान जो रखना ये चीज ध्यान रखिए बैठे है आऊ मैं निवेदन करूँ सही दिशा में और बहुत धन्यवाद भी दूंगा मैं युवा सरपंच बैठे है कई सरपंच बहुत अच्छो काम भी करियो मैं देखा तमाम जमा और माने जो पैसों में देवा सेंसर में भी काम ने बड़ी लागू देगा पैसा जब बड़ी प्रसन्नता भी हुए जी हम भाई नारवा कांटेरी इलाका देखेंगे आप लोग विकास देखियो अच्छा तो रहे पड़े शानदार लाइट लगाई तो वही तो विकास और कहीं और आपने तो देखो खेवसर का मैंने 2 कॉलेज मिल गया 5 लाख कॉलेज मिल गो आप खजवाड़ा गांव का मैंने कॉलेज मिल गो डीएमएफटी का काम में कितनी सड़क और स्कूल को बहुत बड़ा काम हो गया
मार पुलिया को भी काम करो, वो पुलियाड़ो भी सेंसर में काट और जम्बे तो मंदिरों से सीधी रोड भी आएगी 5 किलोमीटर देख ली लिया भाई बेड़ा हुआ साहब अगले रोडा मड़ की मांगे बाकी रह गई, बाकी कौन रहा, एक एक काम याद है बाकी कोई काम नहीं रहता। आ हो सके कोई काम में 2-4 दिन छेती जी हमारे जेठराम जी दोनों घना बोले मैं बोलो होड़े आपको ही तो कह रहे हैं बाको नहीं 6 किलोमीटर आई 6 भी आज चिंता मत करो। जागरूकता जरूरी है, ये चीज मन बड़ो अच्छो लगे यदि कोई आज आए माने गांव को काम को केवल माने ही सकता हुआ है। मैं तो बेटा व्यक्ति हूं कोई शादी ब्याह में जाऊं और बेटे भी कोई काम लेकर दे तो मेरे भी तो बेटे दे तो मारे कई नेता शोक हुए कहने साहब एक हैंडपंप खुदाने जो 250 आज भेड़ा हुआ काम अरे 100 आज भेड़ा 50,000 तो मांगी दाढ़ी खराब होगी बेचारा और 2-4 हजार ही गाड़ी ले आया 54,000 में तो हैंडपंप खुद का घर का पैसा खुदाई ले। मैं तो जब फेसबुक पर लिख दो ना मांगा व्हाट्सएप में भेज दो के साहब वो काम कर भी खड़ा मात्रो माना मत ताकि ताकि ऊर्जा भी बच गई और आपको काम भी हुईगो पैसा टका भी आप बचा किसान परिवार का लोग अपन पैसा को सदुपयोग करो ये चीज को भी अपन ध्यान रखना। आज बड़ी अच्छा लगियो ठेठ करवा साइन डाइट साइन ले और हमारा हिसाब 42 स्कूटी है लगभग लगभग घर ग्राम पंचायत का लोग आप लोग आए हो बड़े चुनाव टाइम में आगे भी और बड़ा कार्यक्रम रहा का परिवर्तन यात्रा सत्ता संकल्प यात्रा है आ यात्रा भी रेवेली तो बी टाइम बेला मत कीजिए एक एक आदमी फोन करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। अभी तो ध्यान रखो हनुमान जी आपका पेज मत कोई चीज डाक दे के बड़े आप सभा है बट फिर तक ये आप सब लोगों ने ज्यादा संख्या में पधारो 2 महीना हनुमान जी आपने 2008 में ले और 23-15 साल को जो टाइम आप लोगों ने दियो अब 2-2.5 महीने का टाइम जो है और पूरा टाइम आपने हनुमान जी देना चीज का ध्यान रखियो क्योंकि कई देश और प्रदेश सकते हैं हनुमान जी कमजोर करने के प्रयास कर लिया पर आप लोगों का मन पूरा भरोसा है पारिवारिक लोगों देखो एमएल पर 10-20 लोगों ने जाना मैं बहुत मजबूती आप आप लोग देख केवल तो सीताराम जी जेठाराम जी मन अच्छा काम तो मानने को पता कागज मांगने आएगा है और भी कुछ काम नहीं कर अब थे मन में ही हो चलो सीताराम जी सब कुछ है जेठाराम जी है मुगनाराम जी है रामदयाल है काम हुए कागज दे पूरा प्रयास ईमानदारी करा ये भी काम पार गाला और आपस को प्यार प्रेम आप लोगों ने बढ़ाए और अपन वही प्रयास करूंगा हनुमान बेनीवाल जेड़ा व्यक्ति ने किसान को बैठो तो रात और दिन जाकर आप लोगों का कल्याण और उत्थान की बात करें भी व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा आपने मजबूती उन्हें चुनाव देनी है इन चीज को आप ध्यान रखियो। आपके अलावा भी जगह स्कूलियां लिस्ट काटी वहां भी मैं निवेदन करूंगा कागज का फटाफट समाज कल्याण और बड़ फुगाई दे ताकि और नहीं हुई चुनाव पर तो सतत चलती रही कोई बाकी सैंक्शन काटिया मुझे कोई आचार संहिता की कोई ये काम होता रही ये वास्ते आप सब लोग कार्यक्रम में और बहुत धन्यवाद छुटियाला जगह लेवा 2 महीने जगह हनुमान जी और सही दिशा अब थोड़ी एकाध स्कूटी भाग सही दिशा में थोड़ा स्कूटी को ध्यान रखेगा ना एक स्कूटी थी मारा बार विषय जी सही दिशा में आगे बढ़नो है और आपा का भयान है सही दिशा में आप आगे क्या ले जावा और परिवार को आप ध्यान किया रखा देखो ऐसी चीजा हालांकि मारो सब्जेक्ट को नहीं पड़ तो भी मैं हमेशा जट मंच में जाऊं आप बताऊं कि आप किसान परिवार का लोग है अपन एक दूसरा को ध्यान भी रखना है अपन आप परिवार को ध्यान भी रखना है छोटी मोटी बात हो ना फिर जाचा मुझे कई बार आपको टाइम से